बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको JDK इंस्टॉलेशन और उसके बाद पाथ सेटिंग के बारे में गाइड करूंगा। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम किस तरह JDK की इंस्टॉलेशन करेंगे और पाथ सेटिंग कैसे की जाएगी। JDK बेसिकली जावा डेवलपमेंट टूल किट है, जिसकी मदद से हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। जो कोड हम टेक्स्ट नोट पैड पे या सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम किस तरह कंपाइल एंड रन करेंगे विदाउट एनी IDE, तो उसके लिए हम JDK को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आज का जो ट्यूटोरियल है, ये बेसिकली विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है कि उसमें पाथ सेटिंग कैसे की जाएगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इसका प्रोसेस समझ आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्जन अवेलेबल हैं, 64 बिट और 32 बिट। तो मैं दोनों के बारे में गाइड कर दूँ, या आपने देखना है कि आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। उसके लिए आप यहाँ पे दिस PC पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। यहाँ पे सिस्टम टाइप में आपको नजर आ जाएगा लिखा हुआ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, या यहाँ पे लिखा होगा X64, ये 64 बिट के लिए है, और X86 होगा 32 बिट के लिए। तो आपने इसको कंफर्म करने के बाद जो आपका सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आपने डाउनलोड कर लेना है JDK। इन दोनों JDK का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, 64 बिट के लिए भी और 32 बिट के लिए भी। ये 64 बिट के लिए है और ये 32 बिट के लिए, इन दोनों का लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप पहले कंफर्म करें अपने सिस्टम की अकॉर्डिंग कि आपको 64 बिट रिक्वायर्ड है या 32 बिट। उसके बाद आप इसकी डाउनलोडिंग करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे और पाथ सेटिंग करेंगे। चलिए हम इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। हम इस सेटअप को रन कर रहे हैं, ये मैक्सिमम 4 to 5 मिनट में इंस्टॉलेशन का टाइम होगा इसके लिए, इतने टाइम में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने इसका सेटअप ओपन किया है, यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं हम इसको, और फिर नेक्स्ट करेंगे। जी अभी देखें इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई, पाथ सेटिंग नहीं की गई। अभी हम इसकी जावा की कमांड्स को रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है और यहाँ पे हमने जावा सी लिखा है कंपाइलेशन की कमांड, वो भी नॉट रिकग्नाइज आ रही है। इसी तरह हम अगर ओनली जावा कमांड लिखेंगे वो भी नॉट रिकग्नाइज है। तो जब हम इसकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसके पाथ सेटिंग कर लेंगे, तो ये हमारी जो कमांड्स हैं ये सक्सेसफुली वर्क करेंगी। नेक्स्ट कर रहे हैं हम इसको, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी पाथ सेटिंग कैसे करेंगे। जी यहाँ पे देखिए मैसेज लिखा आ गया है कि सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुकी है JDK की। इसका ये जो वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है ये 8th वर्जन है और इसकी 221 अपडेट है। आप कोई भी प्रीवियस वर्जन भी इंस्टॉल कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे इंस्टॉलेशन होगी आपके सिस्टम में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अपडेट का, आप देन इसको लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये वर्जन प्रोवाइड कर दूंगा, जब आप इसकी इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो सिस्टम नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको टास्क बार पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा अगर इसकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल होगी, तो आप देन वहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं अगर आप ज़रूरत समझते हैं। तो चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, वो है पाथ सेटिंग। हम इसकी पाथ सेटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे दिस PC पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ओपन करना है। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अपना पाथ सेट करेंगे। ये यूज़र वेरिएबल्स हैं और ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं। हम यहाँ सिस्टम वेरिएबल पे ये पाथ वेरिएबल जो मौजूद है इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर लें आप चाहे, या सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसको जस्ट सिलेक्ट करें
और देन एडिट के बटन पे क्लिक करें तब भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये बहुत सारे पाथ ऑलरेडी सेट हैं आपके जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं एप्लीकेशन उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम न्यू पाथ सेट करना चाहते हैं, या तो आप जस्ट यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दें तब आपको ये ऑप्शन दे देगा, या सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें तभी वो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे पाथ सेट करें। अब हमने यहाँ पे पाथ कौन सा देना है उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। हम इस पीसी को ओपन करेंगे और सी ड्राइव में जहाँ पे हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट पाथ ही दिया है तो ऑब्वियसली वो सी ड्राइव में होगा। अगर आपने इंस्टॉलेशन के दौरान उसका पाथ चेंज किया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन करना है। हम मोस्टली क्या करते हैं, पाथ जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का वो सी ड्राइव का, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करेंगे। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमारे पास ये जावा का ऑप्शन है, जावा का ये फोल्डर हम ओपन करेंगे और इसके अंदर ये JDK का फोल्डर ओपन करेंगे और इसके अंदर ये बिन का फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ तक हमने ओपन करने के बाद यहाँ एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करेंगे सिंगल, तो ये देखिए उसका पूरा एड्रेस या डायरेक्टरी शो हो रही है, हमने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी कर लें या राइट क्लिक करके कॉपी करें, देन यहाँ पे हम सिस्टम वेरिएबल्स में वापस आ जाएंगे, यहाँ डबल क्लिक कर लें या क्या करेंगे न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दें, देन हमने इसको भी ओके कर देना है और यहाँ पे भी ओके करके हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इसको क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं प्रॉपर्टीज को। अब हम कंफर्म करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके जावा कंपाइलेशन की कमांड देके। जी हमने यहाँ पे CMD लिखा है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हम कमांड देते हैं कंपाइल की, जावा कंपाइल की, जावा सी। जी ये देखें ये हमारे पास सक्सेसफुली इसकी जो कमांड है वो वर्क कर रही है। अगर यहाँ पे वर्क नहीं करेगी तो पहले की तरह जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको शो करवाया था वो इस कमांड को नॉट रिकग्नाइज कह देगा कि दिस कमांड इज नॉट रिकग्नाइज। और नेक्स्ट हम जावा भी इंटर करके देखते हैं जो कि प्रोग्राम को रन करने के लिए है। जावा सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए है, ओनली जावा जो है वो प्रोग्राम को रन करने के लिए है जब हमारी क्लास फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो दोनों कमांड सक्सेसफुली वर्क कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी इन्वायरमेंट सेट हो चुकी है, JDK की इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट है और पाथ सेटिंग भी कंप्लीट है। ये सारा प्रोसेस मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बताया है। आप किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास पाथ सेटिंग का ऑप्शन है वो थोड़ा सा वेरी करेगा। अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन है विंडो का, विंडोज 7 है या विंडो XP या कोई और आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आजकल मोस्टली विंडो 10 यूज़ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।